अगर एहतसाब करना है ना, राणा सनाउल्ला साहब कह रहे थे, आज ही कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई अगर मैंने 18 कत्ल किए हैं, आपकी 4 साल की हुकूमत रही थी, 18 में से 4 के कत्ल की FIR तो होगी और उस पर मुझे धर लेते, ये हीरोइन का केस लगाकर पूरी जाली सारी कैंपेन चलाकर आपको क्या हासिल हुआ? ना ये मुल्क ब्राह्मण सिस्टम के नीचे रवाज पा चुका है। जैसे हिंदुस्तान में होते थे ना, ब्राह्मण होते थे, वेश होते थे, कश्तरी होते थे, शूदर होते थे, हमें इन्होंने शूदर बना दिया था, अब शूदर खड़े हो गए। मेरा सवाल बिल्कुल डिफरेंट है, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि सर अगर ये सारे इतने बुरे लोग थे और इनके ऊपर करप्शन के इतने बड़े बड़े चार्जेस मौजूद थे सर, तो आपको नए केसेस क्यों बनाने पड़ गए? चले राणा सनाउल्ला की मिसाल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो बड़ी बहुत ज्यादा लोगों ने उसके ऊपर बात की कि मतलब इस तरह का केस नहीं बना कभी तारीख के अंदर। जितना मेरी बात सुनो, इस मुल्क के अंदर जितना बड़ा मगरमच्छ होगा, जितना बड़ा हाथी होगा, उसके लिए कोई जेल नहीं है, उसके लिए कोई कैद नहीं है, वो जितना लगाएगा उतना रंग चोखा आएगा।